अगर हम इसको फर्दर देखें कंपैरिजन को बिटवीन दीज फोर स्ट्रेटजीज तो इसके अंदर जो हमारे यूनिट्स जो हैं ये इनका जो इसमें से सिस्टम में से निकल रहे हैं तो इन केस ऑफ प्रोसेस फोकस यूनिट्स मूव स्लोली टू द प्लांट जैसे मैंने बताया था कि वर्क इन प्रोसेस ज़्यादा होता है वेट ज़्यादा करना पड़ता है एक वक्त में कई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो उसकी वजह से अगर एक मशीनरी के ऊपर चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं प्रोडक्शन के लिए तो हर एक का अपना लॉट साइज़ है कोई पच्चीस यूनिट एक वक्त में लॉट साइज़ में है कोई पचास है एंड सो ऑन और हर एक का अपना टाइम लग रहा है तो उसकी वजह से एक तो शेड्यूलिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है कि किसको पहले किस पर ऑपरेशन पहले करना है दूसरा ये सारे वेट के अंदर खड़े रहते हैं और फिर उसके अंदर एक को होता है जब तक वो लॉट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरा लॉट के ऊपर की बारी नहीं आती और फिर ये सारा का सारा कंप्लीट होगा तो तभी ये लॉट आगे दूसरे वर्क सेंटर के ऊपर मूव करेगा रेपिटेटिव फोकस को अगर देखें तो जो मूवमेंट है वो ज़रा तेज़ इसके मुकाबले में बहुत तेज़ होती है हम आवर्स में उसको काउंट करते हैं या डिटरमिन करते हैं या डेज के अंदर कर लेते हैं प्रोडक्ट फोकस में इट इज़ वेरी स्वेफ्ट ठीक है ना जैसे मैंने बताया था कि से एग्जांपल दी थी उसकी शुगर इंडस्ट्री की तो शुगर की जो प्रोडक्शन है वो वेरी क्विकली इसमें से गुजरी होती प्रोड्यूस होती है और टनस के हिसाब से प्रोड्यूस हो जाती है मास uh, कस्टमाइजेशन के अंदर गुड्स मूव स्विफ्टली थ्रू द फैसिलिटी क्योंकि अगेन मास कस्टमाइजेशन है मास प्रोडक्शन हो रही है बट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट कस्टमाइज प्रोडक्ट तो ये भी क्विकली इसके अंदर मूवमेंट होती है फिनिश गुड्स जो है ये uh, इनकी इन्वेंट्री प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें तो इनकी इन्वेंट्री जो है फिनिश गुड्स की नहीं रखी जाती क्योंकि ये कस्टमर ऑर्डर के ऊपर प्रोड्यूस हो रही होती है रेपिटेटिव के अंदर फोरकास्ट के ऊपर हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से फिनिश गुड की इन्वेंट्री हम बिल्ड कर लेते हैं जबकि प्रोडक्ट फोकस के अंदर फिनिश गुड की इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा स्टोर की जाती है क्योंकि ये भी फोरकास्ट के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा होता है जबकि मैस कस्टमाइजेशन के अंदर क्योंकि ये मेड टू ऑर्डर है जस्ट लाइक प्रोसेस फोकस तो इसकी फिनिश गुड की जो इन्वेंट्री है वो इतनी आ, रखी नहीं जाती ऑर्डर आता है कस्टमर का वो प्रोड्यूस करके उसको डिलीवर कर दिया जाता है प्रोसेस फोकस के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक वक्त में लट से चार पांच डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए हैं एक वर्क सेंटर के ऊपर परफॉर्म ऑपरेशंस के लिए तो उसकी वजह से शेड्यूलिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है रियल टाइम शेड्यूलिंग का अभी तक कोई ऑप्टिमम सोल्यूशन ये निकाल नहीं सके रिसर्चर उस पर बड़ी रिसर्च हुई है बड़े पेपर्स लिखे गए हैं लेकिन अभी तक रियल टाइम में ऑप्टिमम सोल्यूशन जो नहीं कर सके कि जी वो कौन सा तरीका है जिस पर हम असाइन करें कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो पहले प्रोड्यूस होगा और कौन सा उसके बाद होगा अगर एक वक्त में पाँच छः डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन लगा कर खड़े हो गए हैं एक इक्विपमेंट के सामने एक वर्क सेंटर के सामने इन रिपीटेड मैन्युफैक्चरिंग ये मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने मॉडल्स बनाने फोरकास्टिंग के बेसिस के ऊपर आप फोरकास्ट करते हैं और मॉड्यूल्स यूज किए जाते हैं तो इसके अंदर शेड्यूलिंग इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट ठीक है इसके अंदर क्योंकि डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं और उसके बेसिस के ऊपर फोरकास्ट आपने किया होता है और उसके हिसाब से प्रोडक्शन हो रही होती है जबकि प्रोडक्ट फोकस के अंदर तो रिलेटिवली इट इज़ वेरी सिंपल आपने यही देखना है कि पैकिंग किस साइज़ की होनी चाहिए एंड सो ऑन बट प्रोडक्शन जो है उसकी शेड्यूलिंग एक शुगर मिल है तो उसमें शुगर के अलावा और क्या शेड्यूल आपने करना है सिर्फ उसके अंदर पैकिंग की डिफरेंट साइज़ की पैकेज वगैरह का हो सकता है इशू आए मैस कस्टमाइजेशन यस इट इज़ सोफिस्टिकेटेड शेड्यूलिंग इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि आप कस्टमाइज ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो किस कस्टमर का कब प्रोड्यूस करना है ऑर्डर तो उसके हिसाब से आपने शेड्यूलिंग करनी होती है और वो एक सीरियस चैलेंजिंग बन जाती है चीज़ के इसको किस तरह शेड्यूल किया जाए इफ़ वी लुक एट फिक्स कॉस्ट तो प्रोसेस के अंदर फोकस के अंदर फिक्स कॉस्ट जो है वो कम होती है वेरिएबल कॉस्ट हाई होती है अगेन बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स तो उसकी वजह से वो हाई होती है और इसके अंदर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी हाई क्वांटिटी के अंदर नहीं होती तो वो रिलेटिवली वेरी हाई वेरिएबल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट इसके अंदर क्योंकि जनरल परपज इक्विपमेंट होता है तो इतनी हाई नहीं होती रेपिटेटिव के अंदर फिक्स कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द फ्लेक्सीबिलिटी ऑफ़ द फेसिलिटी फिक्सड कॉस्टिटी हाई होती है कम्पेयर टू प्रोसेस फोकस के अंदर इसके अंदर ऑटोमेशन भी यूज़ की जाती है रोबोट्स क्योंकि रिपीटेटिव है तो रोबोट्स भी आ जाते हैं प्रोडक्ट फोकस्ड क्योंकि इट इज़ बेसिकली डिवेलप्ड अराउंड अ प्रोडक्ट तो वह स्पेशलाइज इक्विपमेंट होता है तो उसकी वजह से फिक्स कॉस्ट हाई होती है वेरिएबल कॉस्ट लो होती है क्योंकि वर्कर्स इतने स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती जबकि मैस कस्टमाइजेशन में फिक्स कॉस्ट हाई होती है तो इसकी वजह से वेरिएबल कॉस्ट लो होनी चाहिए तभी जाकर ये फीजेबल बनेगा कॉस्टिंग की अगर एस्टिमेशन हम करें तो कॉस्टिंग एस्टिमेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन प्रोसेस फोकस कॉस्टिंग इतनी आसान नहीं है एस्टिमेट हम ज़रूर कर लेते हैं लेकिन एक्चुअल कॉस्ट हमें पता उसी वक्त चलेगा जब इसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब हमें पता चलेगा एक्टिविटी बेस कॉस्टिंग के हिसाब से कि कितनी कॉस्टिंग इसके ऊपर आ रही है रेपिटेटिव फोकस के अंदर क्योंकि हम रिपीट कर रहे हैं एक्सपीरियंस बेस हमें आइडिया हो जाता है कि इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ रही है इसी तरह प्रोडक्ट प्रोडक्ट फोकस में प्रॉब्लम यह है कि अगर हाई फिक्स कॉस्ट है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट जो है वो डिपेंडेंट है ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट हाई यूटिलाइजेशन है तो वो पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी लो यूटिलाइजेशन है तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है बट अदरवाइज इट्स नॉट एज डिफ़िकल्ट एज दैट ऑफ प्रोसेस फोकस मास कस्टमाइजेशन के अंदर क्योंकि हाई फिक्स कॉस्ट है और फिर डायनामिक वेरिएबल कॉस्ट है तो वो कॉस्ट एस्टिमेशन जो है इट बिकम्स कॉस्टिंग बिकम्स चैलेंजिंग के जी हम इसकी कॉस्टिंग क्या रखें तो वो एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट आ जाता है मास uh, कस्टमाइजेशन के अंदर